नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मीडिया पर यह ठीकरा फोड़ते रहे कि बीजेपी के इशारे पर मेरे इस्तीफे की खबर बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंततः वही हुआ जो एनबीटी ने पहले भविष्यवाणी की थी। ललन सिंह ने शुक्रवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार की। हालांकि मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ललन सिंह के इस्तीफे के प्रकरण को आवाज दी, लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे जिसके आगे ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। आइए जानते हैं कि वो आरोप जिसके चलते इस्तीफे के मूल कारण बन गए। पहला, ललन सिंह का टर्म पूरा हो चुका था। दूसरा कारण, अध्यक्ष रहते पार्टी के सभी लोगों को साथ नहीं रख पाए ललन सिंह। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी की मजबूती के लिए पदाधिकारियों, विधायकों, सांसद, मंच मोर्चा और प्रकोष्ठों के साथ बैठक भी नहीं करते थे ललन सिंह। चौथा कारण, ललन सिंह के एरोगेंट नेचर के कारण कोई भी सक्रिय नेता उनसे बचता रहा। मिलकर कुछ ऐसी अंदरूनी बात भी नहीं बता सकते जो पार्टी हित में हो। एक और बड़ा कारण, जो कि पांचवा कारण है, वो ये है कि एक खास रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर और असुरक्षित रखने का अंदर ही अंदर खेला भी खेला जा रहा था। छठा कारण, एक एक कर नीतीश कुमार के विश्वसनीय नेता उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रणवीर नंदन को पार्टी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। सातवां कारण, 16 सांसदों में 13 सांसद ललन सिंह से खफा थे, नाराज थे। आठवां कारण, विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को ललन सिंह के अच्छे फीडबैक नहीं मिले थे। नौवां कारण, नीतीश कुमार ने स्वयं पार्टी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर यह महसूस किया था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना चाहिए ललन सिंह वो कुछ भी नहीं कर रहे। दसवां कारण, अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की हुई तकरार से अच्छा संदेश नहीं गया था। ग्यारहवां कारण, एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की गलत सलाह ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार को दी थी। अगला, इंडिया गठबंधन बनाने और उस गठबंधन में नीतीश कुमार की रणनीति को ठीक तरह से भी नहीं रखना भी एक बहुत बड़ा कारण बना। नीतीश कुमार को संयोजक या अन्य कोई महत्वपूर्ण पद दिलाने को लेकर ललन सिंह की कमजोर बैटिंग भी एक बहुत बड़ा इसमें कारण साबित हुई है। अगला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण जो था, ललन सिंह का लालू प्रसाद यादव का करीबी होना। यहां आरोप यह लग रहा था कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल होकर तेजस्वी को सीएम और ललन सिंह खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये वो 14 कारण थे जिसके चलते ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ललन सिंह 2021 में जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। आरसीपी के पद खाली करने के बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था। कहा जा रहा है नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने सबसे पहले आरसीपी को अपनी पार्टी से निकाला था, बाद में मंत्री पद भी गया और फिर उसके बाद पार्टी से भी निकाल दिया गया। फिर आरसीपी अभी बीजेपी में है। आए दिन नीतीश कुमार और ललन सिंह को वो घेरते रहते हैं।